बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के विरोध एक दिवसीय धरने का आयोजन गर्दनीबाग स्थित स्थल पर किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी नीति ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का काम किया है। नोटबंदी से किसानों, मजदूर और आम आवाम में रोष व्याप्त है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब यूपीए की सरकार में इस देश के प्रधानमंत्री थे, विश्व मंदी में भी इस भारत की आर्थिक स्थिति को सशक्त और मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया था, मनमोहन सिंह जी ने किया था अपनी नीति से। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक नीति से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का काम किया है। आज विश्व का कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं है जो ये कह रहा है कि देश में, हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी आने वाले दिनों में चरम सीमा पर रहेगा। आज पूरी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबके लोग में छटनीग्रस्त किया जा रहा है। पूरे देश के 85% जो अर्थव्यवस्था है उसको बैंक को विड्रॉ करके बैंक में डाल दिया गया है। इस तरह से इस देश के जो चंद उद्योगपतियों हैं उनको ये नरेंद्र मोदी जी मदद करना चाहते हैं। आज तक जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है कितने किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है और कितने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, देश की जनता हिसाब चाहती है।